तो चलिए गाइज, आपको इस वीडियो में पबजी गेम खेल के दिखाता हूँ, जो कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से प्रोवाइड करी गई है। और गाइज, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप जो है इसमें योगी आदित्यनाथ जी का जो लोगो था होम स्क्रीन पर, उसको कैसे हटा सकते हैं। देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली रिमूव हमने कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और गाइज, मैं आपको दिखा दूँ, ये योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो हमको टैबलेट मिली है वही है। सेटिंग में जाकर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो हमें नॉक्स की सिक्योरिटी मिलती है उसके अंदर अभी भी जो यूपी डेस्क का कंट्रोल देखने को मिलता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं गाइज आप, यहाँ पर ऊपर मेंशन है यूपी डेक्सो एंड उनका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी हमको देखने को मिलती है। ईमेल आईडी रिमूव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ईमेल आईडी है ऑलरेडी हमको देखने को मिलती है गाइज, और एक मैंने जो है अपने वाली ईमेल आईडी इसके अंदर चलाई है, आप देख सकते हैं वो नहीं हटाया। लेकिन जो है जो होम स्क्रीन पर फोटो था वो सक्सेसफुली रिमूव हमने कर दिया है, देख सकते हैं आप। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं थंबनेल, तो वो चेंज भी आप इजिली कर सकते हैं। देख सकते हैं, आपको मैं चेंज करके भी एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस, सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अगर आपके पास भी टैबलेट या स्मार्टफोन है जो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया और आप उनका लोगो हटाना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, सिंपली आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी जो है पबजी को इंस्टॉल कर रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, प्ले स्टोर के अंदर अभी भी जो है दूसरी आईडी यहाँ पर स्टार्ट हो रखी है, जो कि यूपी डेक्सो की है, आप देख सकते हैं। ये रही वो जीमेल आईडी जो कि इसमें ऑलरेडी चल रही है, जिससे हमें कंट्रोल कर रहे हैं इसको। और हम तो जो है इसमें पबजी सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है, अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये भी बताता हूँ कि इसके अंदर ग्राफिक्स क्या मिलते हैं, लैग होती है नहीं होती है, लेकिन आपको जो है पबजी में एक बार खेल के दिखाता हूँ, जो कि बैटल ग्राउंड इंडिया के नाम से लॉन्च हुआ है। तो गाइस, साउंड सुन सकते हैं आप, डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, देखना गाइस अभी स्टार्ट होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। तो गाइस, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है गेम को इसके अंदर स्टार्ट होने में, जबकि मैंने इसमें अभी गेम को थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था, थोड़ा मैंने खेल के भी देखा गेम को, और फिर भी देख सकते हैं दोबारा अभी जो है कितना टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में। तो इससे थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है कि ये गेमिंग टैबलेट नहीं है, इसके अंदर आप एक हैवी गेमिंग नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ही गेमिंग आप कर पाओगे, लेकिन फ्री फायर इसके अंदर थोड़ा अच्छे से चल सकता है। गाइस, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है फ्री फायर की वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, फ्री फायर इसके अंदर खेल के देखेंगे कि कैसे चला पाती है फ्री फायर को। तो सबसे पहले आपको मैं पबजी के ग्राफिक्स दिखाऊंगा, उसके बाद टीडीएम हम खेल के देखेंगे, टीडीएम में लाइक देखने को मिलता है नहीं मिलता है, बैटरी परसेंटेज कितनी ड्रेन होती है इस टैब के अंदर, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टैबलेट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज आने वाली है। और गाइज, मैं आपको बता दूं, इस टैबलेट को मैंने किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया है, इसके अंदर मैंने जो है सिम कोड डाल रखा है और इससे ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि गाइज, आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई आपने जो है फोटो तो हटा दिया, लेकिन हम जैसे ही इसमें सिम डालेंगे तो जो है फोटो दोबारा से आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, फोटो इसमें दोबारा से नहीं आएगा। आप देख सकते हैं मैंने सिम से इसमें चला रखा है और कोई भी जो है इमेजेस नहीं देखने को मिलती है। तो जल्दी से आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ग्राफिक्स दिखाता हूँ कि इस गेम के क्या ग्राफिक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं आप ओनली जो है बैलेंस पे और मीडियम पे ही इसको प्ले कर पाओगे गेम, और स्मूथ के अंदर भी जो है आप ओनली जो है मीडियम पे ही प्ले कर सकते हैं, एचडी और का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं करती है। तो हम जो है इस पे बैलेंस पे और मीडियम पे जो है खेलने वाले हैं गेम को। तो सबसे पहले जो क्या करते हैं गाइज, टीडीएम को प्ले करके देखते हैं इसके अंदर। तो गाइज, देख सकते हैं मैप सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुके हैं, तो एक गन गेम लगाते हैं और एक बार मैं उसको खेल के देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि लैग देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो जल्दी से मैं गेम को प्ले कर लेता हूँ पहले। तो गाइस, गेम स्टार्ट हो चुका है और आपको देख रहा होगा इसके अंदर डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी लगती है और काफ़ी ग्राफिक्स कैसे आ रहे हैं। और गाइस, लैग अभी आपको देखने को मिलेगा इस गेम में, अभी हमको लैग देखने को मिला। तो जल्दी से इसको प्ले करते हैं और फाइनल जो है आपको लास्ट में बताऊंगा गेम खत्म होने के बाद में। Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I'm in mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm
like I could break now. But I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. तो गाइस अगर मैं बताऊं गेम खेलने के बाद में कैसा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस रहा। इतने ज़्यादा लैग है गाइस इसके अंदर, ये गेम को अच्छे से प्ले नहीं कर सकती। आप जो है नॉर्मल यूज इसमें इसको खेल सकते हैं। और ये तो मैंने गाइस स्टेडियम ही चलाया था, अगर मैंने इसमें क्लासिक मोड को लगाया तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी इसको नहीं चला पाएगी और बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। आप इसमें गेम खेलने का जो आपका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके अंदर जो है फ्री फायर को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे फ्री फायर को जो है कैसे चला पाती है, अच्छे से चलता है नहीं चलता है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी वीडियो डालेंगे फ्री फायर इसके अंदर इंस्टॉल करके। और गाइस अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से गाइस आपको 24 आवर्स में मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइस फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपको फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।